हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहार, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कॉर्वेस रॉम के बारे में, वर्सन है 3.5, जो कि मैंने रेडमी नोट 4 के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर आपको इस रॉम के अंदर आपको कुछ क्रेजी कस्टमेशन के साथ साथ एंड्रॉयड 10 का फीचर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं सीरीज के अंदर जो अबाउट फोन है उसके अंदर आके मैं यहाँ पर एंड्रॉयड वर्सन के अंदर दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्सन 10 मिल जाएगा, उसके साथ साथ कॉर्वेस का वर्सन है 3.5 ऑफिशियल वर्सन है दोस्तों। और 5 मार्च 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ साथ जो कर्नल दिया गया है, प्योर कैफ कर्नल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकी आप देख पाओगे दोस्तों, जो कस्टमाइजेशन है भाई साहब, इस रॉम के अंदर क्रेजी कस्टमाइजेशन मिलती है। जैसे देख पा रही, यहाँ पर जो आइकॉन्स है उसको मैंने कस्टमाइज़ किया है, जो फ्रंट है उसको भी मैंने कस्टमाइज़ किया है। ऊपर दो दोस्तों जो स्टेटस बार देख पाओगे, जो क्लॉक देख पाओगे दोस्तों, उसको भी मैंने कस्टमाइज़ किया है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पर कस्टमाइज़ किया है। पीछे का जो ब्लर इफेक्ट आप देख पाओगे, ये भी दोस्तों कस्टमाइज़ किया गया है। और यहाँ पर जो हेक्साकोन जो लग रहा है भाई साहब, तगड़ा लग रहा है। सो आप भी दोस्तों इस रॉम को यूज़ करके ह्यूज कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इस रॉम के अंदर आपको ह्यूज कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, फ्लैश लाइट यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों। बैटरी सेवर मोड आपको मिल जाती है, जो कि ऑफ कोर्स मिलती है। उससे साथ दोस्तों यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गेमिंग मोड के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 4G क्वालिटी भी काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ आपको इस रॉम के अंदर एक्स्ट्रा मिलता है। उससे पहले मैं बता दूँ, जो डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है दोस्तों, वो आपको OnePlus का डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर आप दोस्तों इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ, तो आपको यहाँ पर एक पॉसिबल है। तो OnePlus के स्क्रीन रिकॉर्डर एज ए डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा, जो कि कस्टम रॉम के लिए पोर्ट किया गया है, स्पेशली एंड्रॉयड 10 के लिए वो आपको यहाँ पर मिलती है। सो इंटरनल जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके साथ आप इंटरनल ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टॉगल्स के अंदर एक नया फीचर मिलता है, बैकलाइट डिमर करके दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो कि शामी पार्ट्स के अंदर ही आता है। उसके बाद FPS के लिए भी यहाँ पर मिलती है। सो मेरा जो रेडमी नोट 4 है इसके अंदर आपको मिलता है 60 FPS का पैनल, तो आप लाइव यहाँ पर ऊपर आपको लाइव मिल जाएगा दोस्तों, आपके डिस्प्ले के ऊपर कितना FPS मिल रहा है ऐसे देख पा रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए जो FPS है थोड़ा सा कम है, और 60 FPS कंटिन्यू आपको नहीं मिलेगा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो। तो एनीवे, यहाँ पर आपको लाइव FPS काउंटर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ शामी पार्ट्स के अंदर फीचर मिलती है, जिसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कुछ शामी पार्ट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऑडियो के अंदर हेडफोन माइक्रोफोन के लिए MI साउंड इनहाइजर मिल जाती है, जहाँ पर आप दोस्तों MI के ईयरबड, MI की जो हेडफोन्स है उसे आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप MI यूज़ कर चुके हो तो दोस्तों मालूम ही होगा। उसके साथ साथ डिस्प्ले कैलिब्रेशन के लिए मिल जाती है, सैचुरेशन को आप बढ़ा सकते हो, एम्बेडेड डिस्प्ले गेस्चर्स मिलती है, ऑलवेज ऑन कर सकते हो दोस्तों, पिकअप और राइज टू वेकअप का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती है। इनेबल USB फास्ट चार्जिंग, येस, अगर आपके डिवाइस अगर आपके लैपटॉप के ऊपर USB 3.0 है, तो उसके साथ आप फास्ट चार्जिंग भी कर पाओगे अपने रेडमी नोट 4 के अंदर। यहाँ से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको मिलती है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप जो यहाँ पर आप एज ए डिफॉल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट 100 में होगा, चलो 100 कर लेते हैं पहले। सो ब्राइटनेस के लिए आप आपको अलग से टॉगल दिया जाता है, मतलब ह्यूज कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर इस रॉम के अंदर मिल जाती है। बात कर लेते हैं कैमरा टू API के अंदर। सो ये जो कैमरा है दोस्तों, ये आपको डिफॉल्ट कैमरा मिलेगा, जो कैमरा है बहुत ही बुरा आप कह सकते हो दोस्तों। और कैमरा टू API इस रॉम के ऊपर ऑलरेडी इनेबल है, लेवल 3 का सपोर्ट मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली गूगल कैमरा मेरे इस रॉम के अंदर काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं। अगर बात करो डिफॉल्ट एप्लीकेशन की, तो कुछ इस तरह से डिफॉल्ट एप्लीकेशन मिलती है। आपको जी एप्स को अलग से फ्लैश करना होगा, मैंने जी एप्स को इस रॉम के अंदर फ्लैश नहीं किया है। अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस रॉम का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को डाउनलोड करके देख सकते हो। फिलहाल मैंने जी एप्स को फ्लैश नहीं किया है। जी एप्स के अलावा यहाँ पर आपको कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा क्वालकॉम के तरफ से क्लॉक, कॉन्टैक्ट, फाइल, FM रेडियो, गैलरी, गो, मैसेजिंग, फ़ोन, और यहाँ पर आपको रेट्रो म्यूजिक प्लेयर मिल जाती है, और जो कि कुछ इस तरह से काम करती है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर गाना है, तो यहाँ सब रेट्रो मतलब गाना चला सकते हो। बाकी चलते हैं सीरीज के अंदर, सीरीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है। ये जो दोस्तों रॉम है दोस्तों, डाटी यूनिकॉर्न करके जो रॉम है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। चलिए कस्टमाइजेशन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कस्टमाइजेशन के अंदर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले कस्टमाइजेशन आती है सिस्टम के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर। सो यहाँ पर नॉइज़ी नोटिफिकेशन, फोर्स क्लोज नोटिफिकेशन, चार्जिंग एनिमेशन, वाइब्रेशन के लिए एज लाइटिंग भी मिल जाती है, जहाँ पर आप दोस्तों जो अगर आप चाहो तो एज लाइटिंग को यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों ये बहुत बैटरी को चूसता है भाई साहब, तो
यूज़ मत करना, वही मेरे सबसे अच्छा होगा। सो आपको यहाँ पर एज लाइटिंग फीचर भी मिल जाती है, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एज में दिखाई देगा। नोटिफिकेशन एलईडी को आप दोस्तों अलग से मॉडिफाई भी कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राउंडेड कॉर्नर के लिए सेटिंग्स मिल जाती है। स्क्रीन एनिमेशन देखिए भाई साहब, यहाँ पर लिस्ट एनिमेशन के लिए, एक्टिविटी ओपन एनिमेशन, एक्टिविटी क्लोज एनिमेशन, टास्क ओपन एनिमेशन, टास्क ओपन बिहाइंड एनिमेशन। सो भाई सब बहुत सारी सेटिंग्स है। सो हर सेटिंग्स तो यहाँ पर हम आपको ओपन करके नहीं दिखा सकते। स्क्रीनशॉट टाइप, अगर आप चाहो तो दोस्तों फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और डार्क ड्रैग एंड सिलेक्शन सिलेक्शन करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीन ऑफ का भी एनिमेशन आप देख पाओगे। बहुत सारी चीज़ है दोस्तों। स्क्रॉलिंग कैशे भी आपको यहाँ पर मिलती है। गेमिंग मोड दिया गया है, और गेमिंग मोड का डेडिकेटेड यहाँ पर आपको लॉक हार्डवेयर बटन भी मिलता है, और डायनामिक मोड भी मिल जाती है। सो ओवरऑल ओवरऑल पैकेज वाला रॉम है दोस्तों, और सेंसर ब्लॉक पार पैकेज मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जो कि एडवांस स्विच के अंदर आपको मिलेगा, जैसे कि सेंसर ब्लॉक पार पैकेज, अलाउ सिग्नेचर स्वैपिंग, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आप कह सकते हो। डिजेबल डिवाइस रेस्ट्रिक्शन, ये भी काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो। डबल टैप टू स्लीप आपको मिलती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर, लॉक स्क्रीन आइटम्स के अंदर, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट, लॉक स्क्रीन स्टाइल्स, जो क्लॉक है, जो फ्रंट है, वो सब चेंज कर पाओगे। सो कस्टमाइजेशन के मामले में रॉम बहुत मतलब फाटाफाटी है, जिसे कहते हैं ऑसम। यहाँ पर लॉक स्क्रीन एनिमेशन, लॉक स्क्रीन चार्जिंग एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हो। फ्लैश बैटरी ड्रॉप बहुत सारी है दोस्तों। यहाँ पर हाइट लॉक आइकन को आप हाइट कर सकते हो, चार्जिंग इन्फो लगा सकते हो, विजुलाइजर मीडिया आर्ट वर्क भी मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट प्रेफरेंस के अंदर जो इरर इरर अगर फिंगरप्रिंट इरर होता है तो जो वाइब्रेशन होता है उसे बंद कर पाओगे। ऑथेंटिकेशन का जो वाइब्रेशन होता है उसे बंद कर पाओगे। बैटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर चार्जिंग एलईडी, बैटरी का आइकन को आप चेंज कर पाओगे, जैसे कि आप मैंने किया है बैटरी परसेंटेज को डाल सकते हो। एग्रेसिव बैटरी के अंदर आपको अलग से ऑप्शन मिलते हैं। बैटरी बार लोकेशन मिल जाती है, वही सा बहुत सारी चीज़ें। कैरियर लेवल के अंदर देखते हैं दोस्तों, पांच ऑप्शन मिलती है कैरियर लेवल के अंदर। क्लॉक ऑप्शन के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पर देख पाओगे, मैंने ऊपर ऐप पर सेकेंड को लगा रखा है, आप चाहो तो सेकेंड को भी लगा रख सकते हो, और क्लॉक को लेफ्ट टू राइट हाइट भी कर पाओगे दोस्तों। सेंटर में ला सकते हो, सेकेंड को शो कर सकते हो, डेट डेट को शो कर सकते हो, फॉन्ट को डाल सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, डीपीआई को चेंज कर सकते हो। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें। आइकन मैनेजर के अंदर स्टेटस बार के अंदर आप आइकन को डाल सकते हो, कस्टम लोगो को डाल सकते हो, जैसे पर यहाँ पर हमने ऊपर कूल लोगो लगा रखा है। सो यहाँ पर जेंडर कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरह से आप चेंज भी कर पाओगे। चलो आए उसको देखते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भी डाल सकते हो, इसको भी चेंज कर पाओगे। कस्टमाइजेशन का भी फुल टू ऑप्शन है। क्विक सेटिंग्स के अंदर क्विक पुल डाउन आपको मिलेगा, स्मार्ट पुल डाउन है, वाइब्रेशन ऑन टच है, सेटिंग्स आइकन है, और भाई साहब कितने सारी ऑप्शन है। बैकग्राउंड ऑपोसिटी, क्यू एस ब्लार, शो टाइटल, शो टिल्स टाइटल्स मिलती है, भाई साहब बहुत सारी ऑप्शन है। ब्राइटनेस कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल बटन्स आपको मिलती है। ट्रैफिक इंडिकेटर के लिए दोस्तों जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो आपको ऊपर आपको दिखाई देगा, उसका डीपीआई को चूज कर पाओगे। ट्रिगर के अंदर दोस्तों कुछ इस तरह से मिलता ही है। और लास्ट हार्डवेयर के अंदर बटन्स के अंदर किल ऑल एप्लीकेशन, वॉल्यूम पैनल का क्या काम है, क्या क्या करेगा, वॉल्यूम पैनल के अंदर क्या क्या शो करने चाहोगे, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा वॉल्यूम पैनल। बाकी दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम की वॉल्यूम ब्लॉकर को यूज़ करके। नेविगेशन के अंदर ऑन स्क्रीन नेविगेशन के साथ साथ बैकलाइट को आप चूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, सिंगल टैप और डबल टैप को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। पावर मेनू के अंदर एडवांस पावर मेनू का ऑप्शन मिलता है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप थीम के लिए अलग से दिया गया है, या सब कलर को चूज़ कर सकते हो, कौन सा थीम लगाना चाहते हो। जैसे कि ये मान लेते हैं मैं इसको लगाता हूँ, सो ये चेंज हो जाएगा दोस्तों, देखिए कम्प्लीटली चेंज हो गया, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को भी अलग अलग लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इस फ़ॉन्ट को लगा रखा है, आप चाहो तो इस फ़ॉन्ट को लगा सकते हो, इस फ़ॉन्ट को लगा सकते हो, मुझे पर्सनली ये वाला अच्छा लगा। आइकॉन शेप जैसे कि मैंने हेक्सागन लगा हुआ है, आप ऐसे चेंज कर पाओगे, जैसे कि टी आर ड्रॉप कर सकते हो। भाई कस्टमाइजेशन भाई साहब नेक्स्ट लेवल की होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, डार्क मोड टू लाइट मोड। डार्क मोड के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल डार्क, पिच ब्लैक, चोको एक्स, बहुत सारे ऑप्शन है भाई साहब। आप चाहो तो जो थीम आपने बनाया है उसे बैकअप भी ले पाओगे, और बहुत सारी अल्टीमेट कस्टमाइजेशन के साथ मिलेगी। पर यहाँ पर बात आती है दोस्तों बैटरी लाइफ। इस रॉम की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, फिर भी दोस्तों इस रॉम का बैटरी लाइफ जो मुझे मिला है पर्सनली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इस रॉम को मैंने यूज़ करके पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और यहाँ पर आपको स्मार्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करती है। ओवरऑल अच्छा है, बैटरी टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहता है, बैटरी टेम्परेचर भी आप देख पाओगे। डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड भी मिल जाएगा दोस्तों, और टैप टू वेकअप का भी फीचर है। सो ओवरऑल एक फुली फ्यूचर
प्रूफ रॉम है, फुली फ्यूचर पैक रॉम है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, फिंगरप्रिंट भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, मैंने फिंगरप्रिंट को ट्राई करके देखा है, बहुत ही बढ़िया रॉम है। मेरे हिसाब से आप ज़रूर से इस रॉम को ट्राई करना चाहिए, इसका प्रॉमिस अच्छा है, इसकी कस्टमाइजेशन बहुत ही तगड़ा है, क्रेजी कस्टमाइजेशन के साथ साथ बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप मिलेगी। बट फिलहाल कैमरा 2 API एनेबल होने के बाद भी दोस्तों जो गूगल कैमरा है काम नहीं कर रहा है, यही दोस्तों एक ड्रॉबैक है। बाकी आप इस रॉम को ज़रूर से ट्राई कीजिए, शायद आपके डिवाइस के ऊपर ये रॉम काम कर जाए अच्छे से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।